अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे और खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वार्डरोब बाय तंजीला। आप देख रहे हैं कोई रंगों से भरी हुई वीडियो जो कि वेडिंग सीरीज़ का एक हिस्सा है। बहुत पहले माना जाता था कि येलो कलर और ग्रीन कलर ही मेहंदी की दुल्हन को अच्छा लगता है, मगर जैसे जैसे दुनिया फैशन की दुनिया में आगे चल जा रही है, वैसे वैसे मेहंदी के ड्रेसेस के ट्रेंड्स भी बदल रहे हैं और गर्ल्स को येलो के अलावा दूसरे कलर्स पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है। या फिर येलो के साथ बहुत सारे मुख्तलिफ रंगों को कॉम्बिनेशन करके मेहंदी की दुल्हन को पहने हुए ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ऐसे ही चंद ड्रेसेस के डिज़ाइन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आप इनको देख के आइडियाज़ ले सकते हैं और अपनी मेहंदी को बहुत ही खूबसूरत और रंगों से भरा हुआ बना सकते हैं। आप अपनी राय से आगाह करना मत भूला करें, ताकि मैं आपके लिए और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहा करूं और बहुत सारे और अच्छे ड्रेसेस आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करते हैं मैं आपके लिए वो भी लेकर आऊँ। ये मेहंदी के ड्रेस इतने खूबसूरत और इतने प्यारे हैं कि इनसे नज़र हटाना बहुत ही मुश्किल है। और आप भी, अगर आपकी किसी बहन या खुद अपनी शादी होने जा रही है, तो आप इनमें से कोई भी एक ड्रेस सेलेक्ट करें और बहुत ही खूबसूरत दुल्हन बन सकती हैं। मेहंदी की ड्रेस में येलो और ग्रीन को छोड़ के बाकी कलर्स तो चूज़ करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन फ्लावर की ज्वेलरी तो हमेशा से ही अच्छी लगती है। हाँ, मगर जैसे सबकी चॉइस मुख्तलिफ होती है, आप दूसरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को भी अपने ड्रेस के मुताबिक स्टोन्स कलर करवा सकते हैं और उसके साथ स्टाइल कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ सकते हैं। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा किसकी शादी है, आपकी बहन की या आपकी अपनी या आपकी दोस्त की। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा ड्रेस और कैसा ड्रेस बनवाने जा रहे हैं। आपकी राय जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। अभी हम और वेडिंग सीरीज़ में और बहुत से खूबसूरत ड्रेसेस लेकर आने वाले हैं, जो बारात, वलीमा, रिटर्निंग डेज एंड अदर वीडियोस लेकर मैं आती रहूँगी आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर किया करें वीडियो को, ताकि मेरी वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।